दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बुधवार को दीक्षांत लोगों को जारी किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया कि 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत कार्यक्रमों की तैयारियां विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से चल रही है। इस बार दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आएंगी। साथ ही विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्राइमरी स्कूलों के 25-25 बच्चे शामिल होंगे जो दीक्षांत कार्यक्रम शिरकत करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, वो बता देंगे, उसी को बाइट में दे देंगे सर। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के ही छात्र के द्वारा पुरस्कृत है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह का लोगो आज लोकार्पण किया जा रहा है। इसको कल हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा 165 प्रविष्टियों में इसको चुना गया है। 165 टोटल प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण से 106 प्रविष्टियां थीं, बाकी महाविद्यालयों की थी। 165 में हम लोगों ने जो एक्सपर्ट्स ने जो फाइनल किया है उसको आज का लोकार्पण आपके सहयोग से हो रहा है। और हम लोग इसको जो पुरस्कार होता है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, 3,000, 2,000, 1,000 रुपये ये दिया जाएगा। साथ में सांत्वना पुरस्कार भी बच्चों को दिया गया है। तो जो प्रथम पुरस्कार के लिए बच्चा चयनित हुआ है वह गोरखपुर विश्वविद्यालय के MA तृतीय सेमेस्टर के श्री शिवम कुमार शर्मा जी हैं, जिनका लोगो फाइनल किया गया है। द्वितीय पुरस्कार मीनू चौरसिया, ये भी गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। तृतीय पुरस्कार श्री मिस महिमा मिश्रा, ये भी गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। और सांत्वना पुरस्कार इसी तरह से 3 चुने गए हैं, सूरज चौहान MA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के, स्वप्निल श्रीवास्तव BA प्रथम वर्ष के, और पूजा गुप्ता MA द्वितीय वर्ष के। यह चयन प्रक्रिया हमारे संयोजक लोगो प्रतियोगिता के प्रोफेसर सुधा यादव जी के द्वारा फाइनल किया गया है। उनके निर्देशन में ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। और आज इसके फाइनल होने के उपरांत हमारा जो पत्रिका है, सोविनियर है, उसके लिए हम अग्रिम कार्रवाई शुरू कर देंगे। और शीघ्र ही हमारे जो अन्य लेख हैं पत्रिका के, वो भी हम प्राप्त हो जाएंगे, ताकि हम इसको शीघ्रातिशीघ्र फाइनल करके 23 अक्टूबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में हम माननीय गवर्नर साहिबा और चांसलर यूनिवर्सिटी की श्रीमती आनंदीबेन पटेल के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। और विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन की अन्य तैयारियाँ भी तीव्र गति से जारी हैं। हमारे जो उसके स्टीयरिंग कमेटी के जो मुख्य हमारे हैं प्रोफेसर रजवंत राव, वो सारी गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। हमारे अन्य शिक्षकगण और हम अजय शुक्ला जी जो हमारे PRO हैं, और हमारे वित्तकारी महोदय श्री वीरेन चौबे जी, लेखाधिकारी महोदय PN सिंह और अन्य हमारे जो बंधु यहाँ उपस्थित हैं, सबके सहयोग से हम इस दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन करने में पुनः एक बार सफल होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो टीम है वो एक्सपर्ट है, पिछले विगत वर्षों से सफलतापूर्वक इसका आयोजन कर रही है। इस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में UGC की जो वर्तमान चेयरमैन है प्रोफेसर DP सिंह, उनका आना तय हुआ है। और वह 23 अक्टूबर को यहाँ दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर अपना दीक्षांत भाषण देंगे। और हम लोग
इस विश्वविद्यालय की जो हमारे सारे रिजल्ट हैं वो भी तैयार हो गए हैं, डिग्रियां हमारी तैयार हैं, गोल्ड मेडल्स तैयार हैं, वो सब की सूची जो है शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी, जिससे हमारा कन्वोकेशन अच्छी तरह संपादित हो सके। इस वर्ष एक नया उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी आमंत्रित कर रहे हैं और उनको भी हम कन्वोकेशन के कैसे होता है, विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह कैसे होता है उसमें प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक स्कूल से लगभग 25 बच्चे यहाँ उपस्थित होंगे, जिनके भी कार्यक्रम दीक्षांत समारोह के दौरान किया जाएगा और उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और आप सभी को इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।